हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे वीडियो में उतनी क्वालिटी नहीं है या फिर वॉइस में भी उतना इंप्रेशन नहीं है कि आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, मगर मेरा 2 से 4 मिनट का वीडियो रहता है उसमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। जिस थंबनेल को देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप अगर वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर है, यानी HDFC बैंक का एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट आपके पास है, तो उस अकाउंट में आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। देखिए, बहुत सारा वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, मगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो सीखा है, वही मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे भी एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिला है, इसलिए मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हाँ, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। देखिए, मेरा एक ICICI बैंक में अकाउंट था और मुझे प्री अप्रूव्ड जो है अमेज़न पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है प्री अप्रूव्ड मिला है, तो मेरा कुछ तो कुछ एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत से कमेंट आता है कि प्री अप्रूव्ड ऑफर क्या आएगा, खास करके HDFC बैंक में, क्योंकि HDFC बैंक पे तो देखिए बैंड था RBI की तरफ से कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। अभी फिर से वो जो है लिफ्टेड हो गया है, वो बैंड जो है लिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो है अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, मैं यहाँ पे जो मेथड बताने वाला हूँ, अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर लेते हैं तो आई एम श्योर दैट कि आपको विद इन 6 मंथ जो है आपको क्रेडिट कार्ड जो है ऑफर मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखिए। गाइस, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। देखिए, मैंने जो है कस्टमर केयर से बात किया और अपने बैंक में भी जाके पता किया, मेरा भी HDFC बैंक का एक अकाउंट है, मैंने भी पता किया वहाँ जाके कि आखिर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आप लोग कैसे ऑफर करते हैं। मतलब बैंक के मैनेजर से मैंने डायरेक्ट बात किया, वहाँ पूछा कि क्रेडिट कार्ड आप लोग कैसे ऑफर करते हैं, तो उन्होंने तो ये बोला कि हम लोग ऑफर नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग है, वो ऑफर करता है। तो मैंने बोला कि आखिर इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है जिससे मुझे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल सके। तो देखिए, उसने जो बताया और फिर मैंने कस्टमर केयर से बात किया, फिर मैंने ICICI बैंक में भी पता किया, लगभग लगभग मेथड जो है सेम है। मैंने जो है सारा डिटेल लेके ये वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिए और फॉलो कीजिए, तो 100% है कि विद इन 6 मंथ आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आएंगे ही आएंगे। अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो सबसे पहले बैंक कहता है कि आपको अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस रखना होगा, इवन अगर वो जीरो बैलेंस भी अकाउंट है तो आपको जो है कुछ ना कुछ बैलेंस रखना होगा। और अगर आपका MAB मेंटेन वाला है, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस वाला है, तो आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है उससे कहीं ज़्यादा रखना होगा। और अगर आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए चाहते हैं कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिले, तो आपको अपने अकाउंट में 10 से 20 हज़ार के अंदर जो है हमेशा रखना पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये होगा कि हर महीने जो है उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह होते रहना चाहिए, मतलब उसमें जो है कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कहीं से पैसे आ रहे हैं उसमें या फिर किसी को पैसे आप भेज रहे हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो देखिए, सिविल स्कोर तो फैक्टर है ही है किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, मगर प्री अप्रूव्ड में सिविल का कोई वैल्यू नहीं रहता क्योंकि वो बैंक की तरफ से ऑफर रहता है। तो देखिए, सिविल स्कोर भी अगर आपका रहेगा वहाँ पे तो कुछ ना कुछ बैंक जो है आपके डिटेल्स को देख के भी ऑफर कर सकती है, मगर यहाँ पे जो 2 मेन क्राइटेरिया है कि आप अपने अकाउंट में MAB मेंटेन करें और MMB से कुछ ज़्यादा मेंटेन करें। दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने अकाउंट को एक्टिव रखें, मतलब ट्रांजेक्शन उसमें विड्रॉ करें और फिर डिपॉजिट भी करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप अकाउंट में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो। और एक चीज़ बता देते कि अगर आप चाहते हैं कि प्री अप्रूव्ड मिले तो आप अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ FD कर दें। देखिए, FD के अगेंस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड ले, मगर FD कर लीजिए। और दूसरा चीज़ क्या, RD ओपन कर लीजिए, मतलब हर महीने आपको पे करना है इतना, जैसे RD होता है ना, रिकरेंट डिपॉजिट, कि आप इतना का एक टेन्योर सेलेक्ट करेंगे तो उतना महीना आपको, हर महीने जितना आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उतना आपको पे करना होगा। तो बैंक क्या देखेगी कि आप जो है RD टाइम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड अगर हम इसको दे दें तो ये क्रेडिट कार्ड का बिल भी जो है टाइम पे करेगी, भले वो 500 या 1000 का हो, मगर एक RD जरूर ओपन कर ले अपने अकाउंट में। उसके बाद एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना, आपको भले से मिले या ना मिले, मगर आप एक जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, ठीक है। अप्लाई करिएगा तो होगा क्या कि आपका डिटेल्स जो है बैंक के पास रहेगा कि इस बंदे ने कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, भले से अप्रूव्ड नहीं हुआ। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अमेज़न पे ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है 9 महीना पहले अप्लाई किया था, 9-10 महीना पहले अप्लाई किया था, उसके बाद जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था वहाँ पे। फिर 9 से 10 महीना बाद मुझे मेल आया कि आप जो है एलिजिबल हैं, आप वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं।
फिर मैंने अप्लाई किया तो मुझे मिल गया। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, भले से वो आपको मिले या ना मिले, मगर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो बैंक के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि इस बंदे ने इस सेविंग अकाउंट से एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। तो अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो पहले आपको चांस देगा वो कि इसको जो है क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड चाहते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मगर फिर भी छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले। तो अगर आप इन चार पाँच चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो विद इन जो है 6 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर मिलेगा बैंक की तरफ से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।